पंचतंत्र की कहानी, भूखी चिड़िया, हंग्री बर्ड स्टोरी। इन हिंदी सालों पहले एक घंटा घर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और पांच भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटाघर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही वो अपने लिए खान जुटाने के लिए कुछ करते हैं। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें तीन कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफी नहीं थे। वे आठ लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके दो छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहाँ काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की काफी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टिंकू के हाथ असफलता ही लगी। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। कहानी से सीख, कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी जरूरत की चीजों को जुटाना चाहिए।